हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सूरज और जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था स्पाउस वीजा उसका क्यू एन ए वगैरह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी आए। और मेनली एक कॉमन टॉपिक रहा हाउसिंग इन जर्मनी। यहाँ आने के बाद हाउस या रेंट पे घर कैसे ढूंढे, क्या क्या देखना चाहिए, किस तरह ढूंढ सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस है यहाँ पे ढूंढने के लिए। तो ये वीडियो हम उस पे टारगेट कर रहे हैं कि हाउसिंग किस तरह ढूंढे और सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक है कि सोर्स कौन कौन से है अगर आपको रेंटल अपार्टमेंट्स ढूंढने हों। तो कुछ नॉर्मल काइंड ऑफ लीगल सोर्सेस है जो यही करते हैं। तो कुछ कुछ उस सारे डिस्क्रिप्शन जो वेबसाइट्स के हैं लिंक के साथ वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, पर मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। कुछ कुछ वेबसाइट्स है जैसे वंडर फ्लैट, हाउसिंग एनीवेयर, फिर इमोबिलियन स्काउट, फिर WG गेसुक। ये सब वेबसाइट्स खाली रियल एस्टेट के लिए है, जो रेंटल्स के लिए है। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और फिर जो भी रेंटल अपार्टमेंट्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आपके डिटेल्स के साथ। फिर दूसरा जो अनकॉमन सोर्सेस है ढूंढने के लिए वो है फेसबुक हो गया, फिर दूसरा हो गया ईबे। तो ये दोनों ईबे क्लाइंट्स इंजन बोलते हैं, जो ईबे ओल्ड जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी लोग काफी टाइम अपना अपार्टमेंट रेंटल के लिए डालते हैं। तो यहाँ से भी काफी लोगों को मिल चुका है वेबसाइट्स ये रेंटल अपार्टमेंट्स। तो ये जो दो प्लेसेस है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और मेनली फेसबुक और ईबे जो है वो क्योंकि कॉमन सोर्सेस नहीं है, वहां पे बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो जस्ट हमने एक स्कैम वीडियो किया था जो आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा। तो आप स्कैम किस तरह बचे अगर आप ये दो सोर्सेस में वेबसाइट्स पे अगर रेंटल अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो स्कैम से आप कैसे बचे, तो आप जरूर ये वीडियो देखना। इसमें बहुत ही डिटेल में बताया कि कौन किस टाइप के स्कैम है जर्मनी में और इसको कैसे देखते हैं और कैसे पहचानते हैं। तो ये सारे वेबसाइट्स के लिंक तो मैं दे ही दूंगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हम नॉर्मली मांगते हैं और आपको रेडी रखना होता है वो होता है आपका पे स्लिप, जो सैलरी स्लिप है वो, आपका पासपोर्ट या आपका रेजिडेंस परमिट जो भी मिला हो, आपका जो वीजा मिलता है वो। अगर आप ऑलरेडी यहाँ रहते हो और शिफ्ट करना चाहते हो दूसरे अपार्टमेंट में, तब आपको आपके जो करंट ओनर है उसके वहां से रेंट फ्री सर्टिफिकेट बोलते हैं उसका भी एक छोटा सा एक पेपर होता है वो भी चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो ये सारे वेबसाइट पे, तो आपको ये देना पड़ेगा उनको मैसेज के थ्रू, और तभी रिप्लाईज आता है मोस्टली। क्योंकि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि अपार्टमेंट मिलना जॉब मिलने से और मुश्किल है। यहाँ आपको फिर भी जॉब मिल जाएगा पर अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन। और जो प्रेजेंट टाइम है अभी वॉर के वजह से जो अपार्टमेंट के प्राइसेस बहुत हाई हो गए, काफी हाई हो गए। जो नॉर्मली लाइक एक अपार्टमेंट जो 1000 यूरो का मिलता था वो अभी 1500 बोलते हैं कभी कभी, 1300, 1400। तो आजकल इतने लोग भी यहाँ आ रहे हैं इमिग्रेंट्स और प्लस वॉर का सिचुएशन भी, तो यहाँ पे जो होता है लोग इतने डेस्परेट होते हैं तो ये भी देखना पड़ता है। तो ये सारे वेबसाइट्स में लेजिट कौन से है और जो नहीं लेजिट आपको लगे तो उसको अवॉइड ही करना बेटर रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कितना रिक्वायरमेंट है बाय रूल पर पर्सन के लिए। अगर आप अपने स्पाउस के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो जो रेंटल एग्रीमेंट दिखाना होता है, तो बाय रूल जर्मनी में बर्लिन में लाइक एक एडल्ट के लिए 12 स्क्वायर मीटर है और एक चाइल्ड के लिए 6 स्क्वायर मीटर। मिनिमम आपका जो रेंटल अग्रीमेंट होगा उसमें ये लिखा होना चाहिए कितना स्क्वायर मीटर का अपना आपका जो रेंटल अग्रीमेंट है, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं कि उतना मिनिमम रिक्वायर्ड है कि नहीं, नहीं तो वो लोग वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए। अब सेकंड, अब लास्ट एक और पॉइंट है कि टाइप ऑफ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ दो टाइप के रेंटल अपार्टमेंट आपको मिलेंगे, एक होगा फर्निश्ड एक होगा अनफर्निश्ड। तो ऑब्वियसली फर्निश में आपको सारे फर्नीचर्स होंगे, किचन वगैरह सब कुछ सेट होगा, इंक्लूडिंग कभी कभी वॉशिंग मशीन भी इंक्लूडेड होता है। तो वैसे टाइप का ऑब्वियसली रेंट हाई हो जाता है, प्लस इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कभी कभी आ जाता है और आपका इंटरनेट भी आ जाता है। सेकेंड कैटेगरी जो अनफर्निश्ड, तो ऑब्वियसली जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि अनफर्निश्ड में ऑब्वियसली कुछ भी कभी कभी किसी किसी में किचन इंक्लूडेड होता है जो फिटेड होता है, बाकी मोस्टली कैसा होता है अनफर्निश्ड में किचन इंक्लूडेड नहीं होता, तो किचन भी आपको सेट करना रहता है। तो इसका प्राइस ऑब्वियसली लोअर हो जाता है कंपेयर टू फर्निश्ड। और इसमें आपका टू टाइप, इसमें जो रेंट टोटल बोलते हैं उसमें कोल्ड रेंट और वार्म रेंट होता है।
तो कोल्ड रेंट जस्ट आपका जो एरिया है लिविंग रूम, जो लिविंग स्पेस है उसका रेंट होता है, और प्लस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नहीं होता। जब वो वॉर्म में जाता है तो उसमें आपका हीटर जो होता है यहाँ का, वो जो गर्म पानी है वो, और उसमें प्लस नेबिन कॉस्टन बोलते हैं जो एडिशनल मेंटेनेंस, नॉर्मली जो आपका ये क्लीनिंग हुआ आपके बिल्डिंग का, फिर जो नॉर्मल मेंटेनेंस है बिल्डिंग के, जो डोर विंडो ये वो, फिर आपका जो गार्बेज कलेक्शन है, वो सब नेबिन कॉस्टन में आ जाता है। तो आपका टोटल रेंट आप अगर देखोगे रेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर जो भी वो पर मंथ आपका रेंट बोलते हैं, तो उसमें आपका कोल्ड रेंट प्लस वार्म रेंट प्लस नेबिन कॉस्टन, ये तीनों मिला के होता है आपका फाइनल रेंट। और इसमें यूजुअली अनफर्निश्ड में आपका इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सब अलग होता है, वो आपको खुद के कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं अलग कंपनीज के साथ, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, वो आपका खुद का होता है। तो इसको बोल, ये अभी जब भी आप देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रीड कर रहे हो तो ये तीन चीज ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफी लोग मिस करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ओके ये इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया हमारे लिए, तो ये जरूर ध्यान रखिए। तो अभी एक छोटा सा बता दूं कि मैं यहाँ पे आया था, किस तरह मैंने ये सब सर्च किया और क्या इश्यूज है। तो मैं जब फर्स्ट यहाँ आया तो ऑब्वियसली मुझे 1 month के लिए कंपनी अपार्टमेंट मिला था, वो आजकल कॉमनली देते हैं, पर हर जरूरी नहीं है, ये बाय लॉ ऐसा कुछ नहीं है कंपनी के ऊपर। तो फर्स्ट मंथ के लिए मुझे कंपनी अपार्टमेंट मिला, पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि घर मिलना बहुत मुश्किल था, इवन वो 1 month के लिए मुझे काफी दौड़ना पड़ा इधर उधर, काफी सर्च किया, और फिर जब 1 month खत्म हो रहा था मुझे एक नॉर्मल एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल गया 37 m² का, लाइक वन जिमर अपार्टमेंट, वन रूम अपार्टमेंट जिसमें बोलते हैं। तो यहाँ पे वन रूम का मतलब है वो लोग, आपको अलग से बेडरूम नहीं होगा, वन रूम का मतलब वो इंक्लूडिंग आपका लिविंग रूम होगा। तो जो मेरा अपार्टमेंट था 37 m² का, वो जस्ट लिविंग रूम और बाथरूम और किचन, इसको ये लोग वन रूम अपार्टमेंट बोलते हैं, कंपेयर टू इंडिया जहाँ पे 1 BHK के लिए 1 बेडरूम हॉल किचन ऐसा नहीं है। तो अगर आप जहाँ भी देखो 1 जिमर 2 जिमर, तो इंक्लूडिंग लिविंग रूम है वो, तो वो आप जरूर याद रखना। तो फर्स्ट मैंने ऑब्वियसली जस्ट ले लिया, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल था, तो मैंने जैसे तैसे वो रेंट पे ले लिया। और क्योंकि 37 m² 2 लोगों के लिए ओके था, तो मुझे ये अपार्टमेंट का यूज करके मैंने भाग्या के वीजा के लिए, स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया और वो चल गया, तो उस टाइम के लिए ओके था। पर सिंस भाग्या यहाँ आई और फिर हम 2 लोग हो गए, फिर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, तो काफी कंजेस्टेड हो गया था रूम, और वो 2 लोगों के लिए उतना सफिशिएंट नहीं था। तो फिर दूसरा हमने स्टार्ट किया ये जो प्रेजेंट घर है वो तो देखने का, तो ये भी हमको ऑनलाइन एक ब्रोकर के थ्रू ही मिला था, जो ये वेबसाइट है इमोबिलियन स्काउट, यहाँ पे अप्लाई करके ही मिला था। बाय द वे ये टोटल हमको टाइम फ्रेम लगा ऑलमोस्ट 5 to 6 months, पूरा सर्च स्टार्ट करके, एंड जब हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो इसमें हमने फर्स्ट अप्लाई किया इमोबिलियन स्काउट में, फिर उन्होंने, क्योंकि ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन था, नया कंस्ट्रक्शन था, इसीलिए उन्होंने एक लाइक मॉडल रूम, मॉडल अपार्टमेंट जैसा है वहां पे, वो लोग व्यूइंग पे बुलाएंगे आपको। तो व्यूइंग पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग अपॉइंटमेंट्स देते हैं क्योंकि आप ये टाइम को आना, पर आप जब वहां जाओगे तो यूजुअली बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और काफी लोग विद सारे पेपर वर्क्स के साथ खड़े होते हैं कि हम अभी लेने को रेडी है, ऐसी हालत है यहाँ पे। तो हम वहां गए, फिर हमने, क्योंकि ये नया अपार्टमेंट था तो लकीली काफी रूम खाली थे, तो उस टाइम हमको इवन टाइम भी मिला कि कौन सा अपार्टमेंट टाइप चूज करना है, ये टू 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 बेडरूम, जैसे कि 2 room किचन टाइप है, यानी कि 2 room है प्लस एक लिविंग रूम और एक किचन, ऐसा है अभी। तो ये हमने, ये 70 to 75 m² है टोटल, तो ये काफी स्पेशियस अभी है। तो इसको जो लेआउट वो लोग देते हैं, तो मैंने जो आगे पॉइंट्स बताया कि टोटल रेंट में क्या क्या होता है, तो ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही ये ऐसे जो कंपनीज है वो देते हैं, लाइक 1 2, अभी जो ये अपार्टमेंट है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स आप 2 साल के पहले इसको छोड़ के नहीं जा सकते, वरना आपका जो कौशन है यानी डिपॉजिट, वो मनी वापस नहीं मिलेगा,
यहाँ नॉर्मली कॉशन होता है 3 मंथ्स का, तो जो कोर रेंट है उसका 3 मंथ्स का टोटल आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। तो आप उसके बाद यहाँ टोटल ये पूरा प्रोसेस खत्म होने में ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स लग गए। प्लस जो जो पुराना अपार्टमेंट था उसमें भी आपको 3 मंथ्स पहले नोटिस देना पड़ता है। यहाँ पे हर एक अपार्टमेंट चेंज के लिए आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि जो पुराना अपार्टमेंट और नया अपार्टमेंट के बीच का जो टाइम होता है शिफ्टिंग का, वहां पे 1 महीना वहां पुराने अपार्टमेंट में आपको देना पड़ता है रेंट, और नए में भी देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको फिक्स नहीं होता कि कब आप पुराना खाली करोगे, कब आपको नया मिलेगा, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा काफी टाइम होता है कि हाँ आप ओवर पे कर रहे हो, जो पुराने अपार्टमेंट में 1 एक्स्ट्रा मंथ ओवर पे करना पड़ता है। तो ये थी हमारी जर्नी यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढ के सर्च करके शिफ्ट करने की। तो अगर इसके ऊपर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना अगर आपके पास आपको कोई और टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए हो रेंटल अपार्टमेंट में, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन में जो मिस हो गया है। और शेयर करना जरूर आप अगर अपने फ्रेंड्स को जो यहाँ आ रहे हैं, या फिर जिसको ऑलरेडी जो ये प्रोसेस कर रहे हो, तो उनको भी काफी इंफॉर्मेटिव होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहे। तब तक के लिए बाय।